नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, आप सभी का स्वागत है अजमेरा फैशन बिगेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। सो दोस्तों, आज हम इस बारे में बताने वाले हैं कि 2022 चला गया है और 2023 आ चुका है, क्या सोचा है आपने इस साल में। जी दोस्तों, शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन अंत आप ही के हाथ में है। किस तरीके से फ्यूचर बनाना है, भविष्य को कहां से कैसे लेकर जाना है, 2 महीने में 3 महीने में साल भर में आपके हाथ में। लेकिन उससे पहले निर्णय जरूर लीजिए। अपने मन में एक निर्णय लिया तो वो चीज हो सकती है। हमने सपने हर रोज अलग अलग देखते हैं लेकिन क्या वो सपने को पूरा कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए वक्त की जरूरत है और ये वक्त आप ही के हाथ में है। और जो बन चुका है 2023 में, यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसा बिजनेस कीजिए जो कि आपके भविष्य का बिजनेस बन चुकेगा, भविष्य का बिजनेस कहलाएगा। आप वो बिजनेस कर रहे हैं, आपके बच्चे भी वही बिजनेस करेंगे, आपके जो परिवार है वो बिजनेस को अप्लाई कर सकते हैं। उनको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उनको आगे की ओर लेकर जा सकते हो और बड़ा बिजनेस भी बना सकते हो। वैसा बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, बहुत सारे बिजनेस आ चुके आज के समय में मार्केट में। डिजिटल का अभी बहुत चल रहा है तो डिजिटल का बिजनेस हो गया, या आप पेंसिल रबर का बिजनेस करना चाहते हो, आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हो, बॉटल का बिजनेस करना चाहते हो, या पानी का बिजनेस करना चाहते हो, आज के समय में आप जो चाहोगे वो हो सकता है, केवल आपकी सोच से। और यही सोच बनानी है 2023 में। जी दोस्तों, 2023 में ऐसा बिजनेस चुनिए, आपको कई सारे बिजनेस मिलेंगे, उनमें से एक सिलेक्शन कीजिए, ऐसा बिजनेस जिसमें आप आगे बढ़ सकोगे, आपका परिवार वो बिजनेस कर सकेगा, आप जाने के बाद भी वो बिजनेस आप ही के नाम से चलता रहेगा और लोग आप ही को पहचानते रहेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि भारत की संस्कृति है, हर एक पेरेंट्स एक बच्चा चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है कि हमारा पहचान उसके अंदर हमेशा रहेगी। हालांकि ये चीजें होती है, इसीलिए बच्चे को हम जन्म देते हैं। तो दोस्तों, यही उम्मीद आपको अपने बिजनेस में भी करनी है कि वो बिजनेस भविष्य का बिजनेस बना रहे, आगे तक चलता रहे और वही बिजनेस को आगे और लंबे समय तक आप सक्सेसफुल की ओर पे लेकर जा सके। लेकिन उसमें भी चुनौती रहेगी, इस बात को समझिएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कपड़ों की मंडी, कपड़ों का बिजनेस जो कि सदाबहार है, हमेशा चलेगा। क्योंकि आप कस्टमर के पास जाओ या ना जाओ, लेकिन कस्टमर आपके पास आने वाले हैं, वैसा बिजनेस है कपड़ों का बिजनेस, क्योंकि वो हमारी मूलभूत जरूरियात है, उसके बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता। सुबह उठेंगे तो टॉवल चाहिए, उसके बाद कई सारी रेगुलर बेसिस पे जीवन जरूरत की चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। एक महिला किचन में काम करती है तो उसको भी नैपकिन चाहिए, रुमाल चाहिए, पोछा चाहिए, वो क्या है, कपड़ा ही तो है। तो कपड़े की जरूरत अक्सर रहेगी ही रहेगी। और इस कपड़ों की इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ चुका है सूरत, क्योंकि सूरत सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसका मेन मकसद यह है कि कपड़ा यहाँ पे निर्माण होता है, अच्छा बनता है, इसलिए अच्छी चीज सस्ते दामों में आपको मिल जाती है। कपड़ा सस्ता मिलने का कारण भी है कि धागा से ही कपड़ा बनता है, सूत बनता है, इंग्लिश में उसे थ्रेड कहा जाता है। मैं कहूंगी कपास जो काम करता है उसी से ही आपको धागा बनकर निर्माण होके एक अलग ही चीज बनती है। और यही कपास गुजरात में सबसे ज्यादा खेती होती है, इसलिए सस्ता मिल जाता है। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि ये जो धागा है उसी से करोड़ों कपड़े बनते हैं, मतलब कि महिलाओं के लिए अलग फैशन के, उसमें भी साड़ी अलग, कुर्ती अलग, ड्रेस मटेरियल अलग, मतलब कुछ परिधान ऐसे है कि जो अलग अलग डिवाइडेड किए गए हैं। बच्चों के कपड़े अलग तरीके से सिलेंगे, बच्चों के कपड़े अलग तरीके से पैटर्न के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग बनेंगे, लेकिन धागों से ही बनने वाले हैं।
और यही धागे के बिजनेस में, यही कपड़ों के बिजनेस में आपको भविष्य का बिजनेस जरूर नजर आएगा, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरत है। लेकिन इस बिजनेस में भी मैं आपको बताना चाहूंगी, संघर्ष रहेंगे ही रहेंगे, आपको अपनी कोशिश बरकरार रखनी होगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे आर्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, अजमेरा फैशन का, यहाँ पे दिव्य भास्कर जो कि गुजरात की जो न्यूज पेपर है, वहां पे आप देखेंगे घर गिरवी मुकी ने डुबेला बिजनेस फरी उभो करियो। इसका मतलब यह है कि घर को गिरवी रखने के बावजूद भी अपनी कोशिश लगातार रहती गई और कामयाबी मिलती गई। इसीलिए सूरत में सबसे बड़े मशहूर बिजनेसमैन बन चुके हैं और छोटे छोटे व्यापारी को भी आगे बढ़ने के लिए एक हौसला देते। आप भी कर सकते हो, यदि आपके अंदर एक हिम्मत है, ताकत है, तजुर्बा है कुछ कर दिखाने का, तो आप भी कर सकते हो। एक व्यापारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटेल शॉप भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे कोई इंसान नहीं है जो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ सकते। आप कोई भी गांव से हो, आप मिडिल क्लास से हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको भी माल दिया जाएगा डायरेक्टली फैक्ट्री में से। फैक्ट्री से माल लोगे तभी आप सस्ता और अच्छा दे पाओगे, सूरत से माल लोगे तभी आप बढ़िया क्वालिटी की चीज दे पाओगे। वैसे ही अजमेरा फैशन में विजिट करके जो माल की क्वालिटी देख पाओगे, ऑल इंडिया में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अजमेरा फैशन का खुद का धागा है। खुद का धागा मतलब कि अपना धागा, अपनी पहचान ये बना चुके हैं अजमेरा फैशन के ऑनर सीईओ श्री अजय अजमेरा, जिन्होंने लगातार रफ्तार से साथ बढ़ चुके हैं आगे। और यही हौसला आपको भी दिया जाएगा कि दिक्कत है तो आने ही वाली है, चाहे कोई भी बिजनेस करो, लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर बिजनेस करते हो, कपड़ा इंडस्ट्री आपके लिए सक्सेसफुल की ओर पर लेकर जाने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।